इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में डेवलप करना पड़ता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट करते हैं तो इंसुलेटर ब्रेक हो जाता है और वहां पर आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं, क्योंकि कंडक्टर अपनी कैपेसिटी पे आने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज भी हम उस पर सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल के साथ आयोनाइज्ड होना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स यहां पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक कंडक्टर की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है और वो अपनी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चार्ज रख सकता है। तो अगर वो कंडक्टर के पास कैपेसिटी है जितना वो चार्ज रख सकता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटी मतलब चार्ज उसमें जितना स्टोर कर रहे हैं, तो चार्ज को स्टोर करने का मीनिंग हमने क्या बोला कि एक्चुअल में हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। अगर तो वहां पर चार्ज को स्टोर करने के लिए एक टर्म्स और क्या ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज तो स्टोर करो, बट आपको उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए वो पोटेंशियल है। तो हमें क्या देखना है कि पोटेंशियल कम से कम इंक्रीज हो और चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का सेप बदलेंगे। तो एक हमने और उसमें हमने इक्विपमेंट्स क्या देखा कि हमने देखा कि एक हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कहानी सिंपल थी। क्या थी स्फेरिकल कंडक्टर कि अगर कोई स्फेयर है आपके पास और उसके पास सपोज करो चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल है उसका V और यहां पे उसकी रेडियस है R, तो मैंने क्या सिखाया इनफाइनाइट पे सपोज करो कि दूसरा कोई कंडक्टर है मेरे पास, अगर वो इनफाइनाइट पे दूसरा कंडक्टर है तो उसका इनफाइनाइट पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी माइनस वी इंफिनिटी, दैट इज क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught r। और हमने क्या डिसाइड किया है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू, और पोटेंशियल कितना निकाला हमने, क्यू बाय 4 pi epsilon naught r। तो दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, इसके स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी हमें क्या मिला, 4 pi epsilon naught r। ये हमें क्या मिला, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। अब यहां मेरी बात को समझना कि अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मार्केट जाओ, ठीक है, और 200 लीटर की कैपेसिटी का एक बकेट खरीद के लाओ, तो तुम कैसे लाओगे, तो उसमें क्या बकेट में 200 लीटर वाटर फील करके लाओगे, देखो सर ये 200 लीटर की कैपेसिटी का है, या तुम उसमें मेजर करके लाओगे कि 200 कैपेसिटी का है वो, ठीक है, मतलब तुम क्या देखोगे उसके उसकी कैपेसिटी 200 लीटर की है या नहीं, वो तुमको वाटर मेजर करके नहीं, उसकी हाइट कितनी है, क्या ये इतने वॉल्यूम 200 लीटर रख सकता है या नहीं रख सकता, तुम वो देखोगे, मतलब एक्चुअल में क्या देखोगे उसका सेफ एंड साइज, ठीक है। तो कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, डिपेंड्स अपॉन अ सेफ एंड साइज। देखो सी इज डिपेंड अपॉन अ आर, नॉट डिपेंड्स अपॉन अ चार्ज, इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं ना, कि कैपेसिटी ऑफ द कोई भी कंडक्टर, किसी भी स्फेरिकल हो या समथिंग जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, उसके सेफ एंड साइज पे, नॉट डिपेंड्स अपॉन द कितना उस पे पास चार्ज है, क्योंकि आपको दिख रहा है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, 4 pi epsilon naught इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ना, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कैपेसिटी इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ सेफ एंड साइज, जैसा सेफ एंड साइज होगा वैसा ही हम ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात को समझो, हमारे पास मैंने तुमको ये सिखाया अभी थोड़ी देर पहले यहां पे कि हम जो यूज करते हैं फराडे नहीं यूज करते, क्योंकि 1 farad इज अ वेरी बिग यूनिट। तो हमने क्या बोला तुमको कि तुम क्या लिखो, 1 microfarad, मतलब क्या लिखते हैं 10⁻⁶ farad, 1 picofarad, पिक्रो फराड मतलब क्या लिखेंगे 10⁻½ farad, ये होता है। तो देखो अर्थ जो होता है ना, अर्थ, ठीक है, जिसपे हम तुम सब हैं, वो अर्थ क्या होता है, वो भी एक तरह से क्या है, एक कंडक्टर, ठीक है। तो अर्थ अगर एक कंडक्टर है तो मेरी बात को समझना ध्यान से, कि सपोज करो इसमें कि दिस इज द अर्थ, ठीक है, और ये जो अर्थ है इसका रेडियस हम लोग क्या लिखते हैं, 6.4 × 10⁶ तर इतना इसका रेडियस होता है, देख लो अगर डाटा कहीं गलत होगा तो तुम चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही होता है, ठीक ना, 6400 किलोमीटर बोलते ना,
ऑब्वियसली ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इसका क्या हो गया रेडियस, ठीक है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें तो कैपेसिटी हम क्या लिखते हैं अभी स्फेरिकल कैपेसिटर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 9 ना बेटा ये, और यहां पे क्या लिखोगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7, ठीक है, 7.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मुझे थोड़ा डाटा याद है इसलिए मैं लिख देता हूं, इसका आएगा 711 माइक्रो फराड। ये क्या होता है इसकी कैपेसिटी। तो तुम यहां से एज्यूम करना शुरू करो कि अगर एक अर्थ की कैपेसिटी इतनी है तो 1 फराड तुम समझ सकते हो कितना बड़ा होगा, ठीक है, ये कितनी बड़ी यूनिट है, उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी। तो यूनिवर्स में ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो 1 फराड कैपेसिटी रखे, आ रही है बात समझ में। तो इसीलिए जब भी हम मेजर करते हैं तो हम क्या मेजर करते हैं, माइक्रो फराड या पिक्रो फराड। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, ये समझ में आया कि स्फेरिकल कंडक्टर, और स्फेरिकल कंडक्टर मतलब कोई भी कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पे मतलब डिपेंड्स अपॉन अ ज्योमेट्री, ठीक है, कि जैसी ज्योमेट्री होगी उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा वो ऐसा वाले फंडा कहीं नहीं लगाना, ये किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे, क्योंकि तो जैसा सेफ होगा वैसा ही वो चार्ज स्टोर कर सकता है, और जो सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वही सबसे अच्छा क्या होगा कैपेसिटर होगा। मगर सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए उसको ध्यान क्या रखना है कि कम से कम वोल्टेज इंक्रीज करे, ठीक है, क्योंकि आपको यह भी बात बहुत अच्छे से पता है कि चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल, इज दैट क्लियर। चलो अब ये तुमको समझ में आया स्फेरिकल कंडक्टर क्या है और स्फेरिकल कंडक्टर कैसे मेजर करते हैं, ये स्टेटमेंट तो तुमको बहुत अच्छे से पता है ना। देखो हमेशा पोटेंशियल बेटा डिफरेंस पे निकालते हैं, इसलिए मैंने वी माइनस वी इंफिनिटी लिया था कि एक यहां पर है, एक समझ ले कहां पर है, इंफिनिटी पे कंडक्टर रखा हुआ है, तो हम उसका क्या कैपेसिटेंस निकाले, और कैपेसिटेंस कितना निकला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पे तुम देख सकते हो दिस बिकम अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो सी इज डिपेंड अपॉन आर। और मैंने ये लॉजिक समझाई तुमको कि अगर कोई भी कैपेसिटर है तो उसमें कितना चार्ज रख सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी है, उसमें कितना चार्ज फूल कर दिया वो नहीं, आ रही है बस। एक कंडक्टर है जो 200 माइक्रो फराड मतलब 200 माइक्रो कूलम चार्ज रख सकता है, तो हम वहां पे क्या कहेंगे, अगर 200 माइक्रो कूलम चार्ज रख रहा है मतलब उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 200 माइक्रो फराड की है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हमें क्या ध्यान रखना है 1 वोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इज इट क्लियर ना। चलो अब एक टर्म्स और समझो, अगर ये तुमको समझ में आया है तो अब यहां पे हमें ऐसा ऐसा इक्विपमेंट देखना पड़ेगा जो क्या करे कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करें, ठीक है। इसको देखो इस तरह से ऐसे भी समझो कि तुमने एक देखा होगा स्प्रिंग वाला गन, वो स्प्रिंग वाले गन में क्या होता है कि तुम क्या कर रहे हो कंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा चार्ज भर रहे हो ना, तो तुम एक्चुअल में देखो अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं और तुम कहीं कंफ्यूज हो एनर्जी को लेके, तो मेरी बात को ऐसे समझो कि तुम क्या कर रहे हो एक कंडक्टर में, देखो जैसे एक कंडक्टर में तुम क्या कर रहे हो चार्ज स्टोर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो बेटा, ध्यान से देख, तो एक चार्ज क्यों आया, फिर दूसरा क्यों आया, तीसरा क्यों आया, तीसरा क्यों आया, तो क्या हो रहा है सबके बीच रिपल्सन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रही है सबके बीच, तो रिपल्सन, और तुम क्या कर रहे हो जबरदस्ती एक फोर्स लगा रहे हो, चार्ज देके तुम क्या कर रहे हो जबरदस्ती का एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो, मतलब एक जबरदस्ती का काम कर रहे हो, जिसके कारण इसका क्या हो रहा है कैपेसिटी चेक कर रहे हो, आ रही है बात में। तो ऑब्वियसली जबरदस्ती के चार्ज जो इसमें डाल रहे हो ना प्लस क्यू के अगेंस्ट एक और प्लस क्यू एक, और जो रिपल्शन हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तुम इस फंडे पे भी समझो कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला इंटरैक्शन की एनर्जी, तो एक क्यू डालो दूसरा डालो तीसरा डालो चौथा डालो पांचवा डालो तो सबके बीच क्या होगा रिपल्शन आना शुरू होगा, तो एनर्जी आपको समझ में आएगी कि यहां पे क्या हो रहा है चार्ज को रखना मतलब एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है चार्ज को अपने अंदर समा के रखना मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखना, फंडा क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से देखो, मैं देखो मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि जब हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखो कि जब हम स्फेरिकल कंडक्टर, अब देखो एक और इक्विपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और वो इक्विपमेंट क्या है समझो, ठीक है, पहले कंडीशन समझो फिर उसका नाम समझना। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, ऐसा कंडक्टर है, अगर इसको मैं देखो
मैं अगर इसको जैसे गोल इस तरह का कंडक्टर ऐसे देख रहे हो, अगर तुम साइड व्यू बेटा इसका देखोगे तो ये तुमको कैसा दिखेगा? इस तरह से ऐसा दिखेगा ना, प्लेट टाइप का। तो देखो अगर ये इस तरह से प्लेट है और इस पे तुम क्या कर रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो, चार्ज डालना शुरू किया, ठीक है। तो अगर तुम इसको चार्ज इस पे डाल रहे हो तो इसकी कहानी क्या होगी, ये भी कंडक्टर है तो एक टाइम क्या होगा, ये फुल होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये पूरा फुल होता है, मतलब यहां पर क्या हो गया कि अब ये फुल हो चुका, अब ये नहीं रख सकता, मतलब इसकी पोटेंशियल भी बढ़ चुकी है और ये भी बढ़ चुका, चार्ज भी स्टोर होना कम हो गया। मगर हमें क्या करना है, नहीं और चार्ज रखना है इस प्लेट पे। अब क्या करें, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो हमें और ज्यादा रखना है। क्योंकि अब देखो लॉजिक को समझना, जैसे जैसे चार्ज रखोगे ना तो तुमको यह पता है कि पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बढ़ने लगेगा। और हमें हमेशा से पता है कि चार्ज को स्टोर करने का सबसे बड़ा दुश्मन है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल इस तरह से इंक्रीज करना शुरू होगा कि ब्रेकडाउन जल्दी आ जाएगा, और जब ब्रेकडाउन जल्दी आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कम से कम चार्ज स्टोर होने लगता है। तो हमें ऐसा करना है कि ब्रेकडाउन जल्दी ना आए, और उसके लिए मतलब इंसुलेटर जो है कंडक्टर बनने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। तो ब्रेकडाउन ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसा कंडीशन यूज करें कि पोटेंशियल कम बढ़े चार्ज ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो यहां पे जैसे जैसे चार्ज रख रहे थे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और एक टाइम क्या हुआ, ये फुल हो गया, ठीक है। तो फुल हुआ तो इसको एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसे समझो कि जैसे ही ये था, ये क्या था, कंडक्टर है, मेटल प्लेट टाइप समझो इसको, तो ये ऐसा है। तो क्या किया गया कि कहीं से मेरा मन किया, ठीक है, ऐसे ही समझ लो तुम कि मेरा मन करता है, ठीक है ना, कुछ करने का, हाँ तो वैसे ही मेरा कुछ मन किया, ठीक है। अब क्या करने का वो एक्सप्लेन बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, ठीक है। कैसा है, तो ये चार्ज इस पे डाला, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज करो मेरा मन किया, मैंने क्या किया, एक और मेटल प्लेट यहां पे रख दिया, ऐसा एक और इसके पास एक मेटल प्लेट लाके रख दिया। अब ये जैसे ही मेटल प्लेट लाए तो लॉजिक बताना क्या होगा, क्योंकि ये मुझसे बेटर तुम जानते हो कि जैसे ही मेटल प्लेट लाएं, तो देखो मेरी बात को समझो, अभी क्या हो रहा था कि जैसे ये कंडक्टर रखे थे ना, तो इसके पास मैं ये समझ रहा था कि 100 माइक्रो कूलम का चार्ज ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, और उसको स्टोर करने में इसकी पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट बढ़ रहा था, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया, क्लियर है, ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया कि जैसे ही इसके पास एक मेटल प्लेट लाए तो सर्टन एक चमत्कार हो गया, ठीक है, और वो क्या हो गया कि ये जो 100 वोल्ट जो था अब वो घट के 70 वोल्ट हो गया, ठीक है, मेटल प्लेट लाते ही, ठीक है। अब जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ, ऑब्वियसली इसको ये चार्ज और रखना शुरू किया, क्योंकि 100 कूलम में इतना पोटेंशियल आ गया, मतलब ब्रेकडाउन आने की स्थिति आ गई थी, और जैसे ही ब्रेकडाउन आने की स्थिति मतलब ये लीक करने की कंडीशन में था, जैसे ही तुमने इसके सामने एक नया प्लेट रखा तो ये पोटेंशियल घट के कितना हो गया, 70 वोल्ट हो गया, मतलब 70 वोल्ट होने का मतलब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया मतलब और चार्ज डालो, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, और चार्ज इंक्रीज करने लगेंगे, और चार्ज इसके अंदर इंटर होना शुरू हो रहा है। अब जैसे ही और चार्ज इंटर हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि ये क्या है, क्या बोल रहे हो, 100 से 70 आ कैसे गया, तो नहीं आ जाता है, अपन देखो ये चीज पढ़े हो तो, जैसे ही तुमने प्लस लाया यहां पे या दूसरा मेटल प्लेट रखा तो तुमने एक चीज पढ़ा, इंड्यूस होता है ये, और ये क्या करेगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, ठीक है, और इसके पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे, बोलो सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बोल ना, पोटेंशियल में अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल की कहानी क्या है, के क्यू बाय आर, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझ कि यह निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से ये निगेटिव चार्ज है, तो ये सोच निगेटिव चार्ज का V1 यहां पे पोटेंशियल सपोज करो इतने यहां पे पोटेंशियल डेवलप करेगा निगेटिव चार्ज के कारण, और निगेटिव चार्ज के कारण सपोज करो तुम्हारे पास पोटेंशियल आ गया कितना, -60 वोल्ट उसने डेवलप किया, किसने, निगेटिव चार्ज ने, करेगा ना, निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इतना हो गया। अब यहां पर ध्यान दे, मतलब जो पोटेंशियल तुम्हारे पहले था 100 वोल्ट, अब इस निगेटिव चार्ज के कारण वो कितना घट गया, 60,
तो कितना आ गया 40 वोल्ट। मगर तुम कहोगे आपने तो 70 लिखा, ये 40 का हिसाब बता रहे हो मेरे को, नहीं कैलकुलेशन पक्का रखेंगे। पोटेंशियल कितना हो गया इतना, अब देख तेरे को पता है पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, पोटेंशियल डिपेंड्स, पोटेंशियल किस डिपेंड करता है चार्ज पे, और पोटेंशियल घटता कब है जब डिस्टेंस बढ़ता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला था, ये जो पॉजिटिव वाला था, ये भी क्या हुआ यहां पर डेवलप करेगा। अब तुम कहोगे कि सर ये नेगेटिव 60 है तो ये भी तो प्लस 60 होगा, ना रे ये क्या है प्लेट, प्लेट में सेपरेशन होता है, सेपरेशन होता है तो ये पोटेंशियल क्या होगा थोड़ा कम होगा, और वो कितना हो गया, वो समझ कितना आ गया 30 वोल्ट पॉजिटिव के कारण। तो अब बता कितना हो गया 70 वोल्ट। तो अब बोलो समझ में आया कि 100 वोल्ट से 70 वोल्ट आया कैसे, जब 100 वोल्ट से घट के 70 वोल्ट चला गया, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली वापस चार्ज इस पे क्या होगा डालना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझो कि इतना तो काम कर दिया कि नहीं, चलो आपकी बात सर मान ली, ठीक है, कि आपने जो कहा वो समझ में आया कि हाँ पोटेंशियल 70 वोल्ट हो गया। अब अगर पोटेंशियल 70 वोल्ट हो चुका है मतलब चार्ज फिर से बढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब चार्ज जब बढ़ने लगे तो क्या हुआ, फिर वापस कहानी वही कि ये फिर से स्टोर हो गया ज्यादा से ज्यादा चार्ज। अब जैसे ही ज्यादा से ज्यादा फुल हो गया फिर वापस लीक करने लगा, ठीक है, लीक करने लगा तो फिर वही है, अभी भी दिक्कत है। जब लीक करने लगा तो मेरे को नहीं अभी और चार्ज डालना है, लीक नहीं होना, पोटेंशियल को और कम करना है, ठीक है, पोटेंशियल को और कम करना है, लीक होने नहीं देना है इसको। तो लीक नहीं होने देने का कहानी अब क्या करें, ठीक है, अब इससे भी कम कैसे करें। तो इससे भी कम करने के लिए, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल कम करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा चार्ज डालेंगे, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज डालने के लिए पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल को कम करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अर्थ करना शुरू करते हैं। देखो ये हुआ, अब अर्थ क्या है, अर्थ के पास भैया बहुत स्पेस है, बहुत बड़ा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि हम भी तुम भी सब भी दुनिया में हर कोई यहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ इज अगेन वन टाइप ऑफ कंडक्टर। तो अर्थ के पास जब इतनी ज्यादा स्पेस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, अर्थ करना शुरू किया, पॉजिटिव चार्ज इसके पास गया, ठीक है, तो वो कहेगा अच्छा आओ रहो मेरे पास बहुत जगह है, वो थोड़ा सा दूसरा चार्ज घसकेगा उसके पास में जाएगा, फिर जाएगा, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अर्थ क्या करेगा अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। या फिर लॉजिक ऐसे समझो कि अर्थ से निकलने वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर लेगा, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया तो देन 30 वोल्ट क्या बन गया, ये 30 वोल्ट अब 0 वोल्ट पे आ गया। तो कहानी वापस आओ, अब ये 70 वोल्ट कहां चला गया, 40 वोल्ट पे, वोल्ट डन है ना। अब 70 वोल्ट जैसे ही देखो, पहले 100 था, फिर हमने क्या किया 70 वोल्ट लाया, फिर हम घटा के कहां जा रहे हैं 40 वोल्ट पे। अब 40 वोल्ट पे आ गया मतलब वापस इस का कंडीशन क्या हुआ कि पोटेंशियल घट रहा है, अब चार्ज डालो। अब वापस से हम चार्ज क्या कर रहे हैं, इसमें डालना शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसमें चार्ज डालना शुरू करेंगे फिर इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे। आ रही है बात समझ में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होता है, जैसे सपोज करो भंगार वाला आता है ना कुछ सामान लेने के लिए, उसके पास एक बोरी होती है, ठीक है, उसमें क्या करो कचरा डालता है, ठीक है, जब उसका कचरा भर जाता है तो वो क्या करता है, उसको ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे पटकता है, ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा स्पेस बनता है, ठीक है, तो और डालो, ठीक है, अभी और डालो मतलब एक प्लेट लाओ, एक एक प्लेट समझना। तुमने क्या किया, भंगार वाले को बुलाया, यार भंगार वाले को क्या कहा कि चार्ज डालो, मतलब चार्ज इन द सेंस कचरा डालो, भंगार वाले का जो भी खरीदना है वो डालो। उसने अपनी बोरी में डालना शुरू किया, डाला उसका बोरी भर गया, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब उसको स्पेस बनाना है। तो जैसे चार्ज को स्पेस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल कम करने के लिए एक प्लेट लेके आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है उसको ऐसे से हिला रहा है, ऐसे से पटक रहा है, तो थोड़ा स्पेस बना, ठीक है, तो स्पेस बना, तो फिर वो डालना शुरू किया, और डालो, और भी जो भंगार के सामान है उसमें डालो, वो डाला, उसके बाद क्या हुआ, फिर फुल हो गया उसका, ठीक है, जैसे हमने एक प्लेट लाया फिर फुल हो गया चार्ज, अब वापस क्या हो गया, वापस लिख करने की स्थिति आई, तो हम क्या कर रहे हैं अर्थ कर रहे हैं, मतलब भंगार वाला क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कोई हथौड़ा लेके उसको ऐसे से दबा रहा है, फिर अंदर चला गया दस लाइक अर्थ, तो वो क्या कर रहा है, अब फिर स्पेस में डालो, तो फिर स्पेस में डाल रहे हैं। आया फंडा समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक तरह का क्या होता है कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं।
अब ध्यान से समझना कि दो चीजें बेटा कैपेसिटर में, एक कहने क्या बोला माइक्रोफराड और एक पिक्रोफराड, ठीक है। तो ये दो तरह के कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको माइक्रोफराड। अब तुम सोचोगे सर ये कहां यूज करते हो, तो जितने भी ये तुम्हारे सब दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल चीजें, पंखा ट्यूबलाइट ये सब, फैन ट्यूबलाइट ये सब, इन सब में हम माइक्रोफराड का कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। फैन में देखो व्हाइट कलर का एक लगा रहता है, उसको कैपेसिटर ही होता है, वो क्या होता है, वो माइक्रोफराड का होता है। तो पिक्रोफराड कहां यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, ट्रांजिस्टर में, ठीक है, कंप्यूटर के चिप बनाने में, इन सब में हम क्या करते हैं पिक्रोफराड के कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक सिंपल यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने वाला जो इक्विपमेंट है वो ही सबसे अच्छा कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हम इतने सारे फंडे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात आओ, अब तुम मेरी बात सुनो वापिस से, ठीक है, कि अब कहानी क्या है, कि अब ये कह रहा है कि चलो इतनी बातें तो इनकी सुन ली मैंने, अब थोड़ी एक नई बातें सुन लो। अच्छा बताओ इसको कितना चार्ज दिया, मान ले तूने इसको चार्ज क्यू दिया, दे रहे हो ना प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू दे रहे हैं और भर के आ गया स्मॉल क्यू, ठीक है, तो इसके पास कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू, इंड्यूस हुआ। तो बताओ नेट चार्ज कितना हो गया, अगर किसी के दिमाग में पैदा हो रहा है ना कि नेट चार्ज जीरो हो गया तो वो पिटोगे, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है पोटेंशियल को कम करने के लिए, ठीक है, बट ये क्या है स्टोर ऑफ द चार्ज, तो इस पे नेट चार्ज कितना है क्यू, नॉट फॉर जीरो, तो फिर तो कहानी खत्म, इसकी जरूरत क्या, आया फंडा समझ में, नेट चार्ज कितना है इसके पास क्यू, क्लियर है। अब नेट चार्ज यहां पर क्यू है, अब तुम एक लॉजिक और समझो कि तुमने इस तरह से दो प्लेट्स रखे थे ना, और मैंने बताया था कि बेटा यहां देख यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था ना गॉस थ्योरम के केस में, तो तुमको वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था एक टर्म कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव, चलो क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर यहां पर देखो तो इसमें तुमको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हुआ दिखेगा, बोलो दिखेगा ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता दिखेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट्स को पकड़ के चलो, वो पॉइंट क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब वो क्या है पोटेंशियल, वहां पर क्या मिलता है तुमको कांस्टेंट मिलता है ना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और ये हमने बहुत डिस्कस किया, मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है। तो अब मुझे थोड़ा ध्यान से बताओ कि अगर ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है तो इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड द प्लेट इन क्या होगा, और इधर मतलब लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा। तो देख जितना ये बनाएगा इधर से कंसीडर कर, ये तो कहानी खत्म है, वो कहानी खत्म है, ये तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर लॉजिकली क्या होगा, इस पॉइंट पर ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो ना, कितना लिखते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। देखो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है इस पर डिस्कस कर लो। देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये रहा मेरा पैरेलल प्लेट, ठीक है, क्लियर है। इसका मैं एरिया प्लेट का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर हम प्लेट का ए ले रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन डी लिया, ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तुमको पता है दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस बिकम अ निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है प्लेट के अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा है ना, अच्छा लग रहा है ना, सिग्मा को क्या लिखूं चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चल तेरी बात मान ले, मैग्नीट्यूड लिख दिया
डन है। तो ये हो गया इन बिटवीन द प्लेट। जब इन बिटवीन द प्लेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिला है तो पोटेंशियल कितना होता है ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन दिस इज डी, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, तो हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या पता है क्यू अपॉन वी, बोलो यही पता है ना। तो यहां पे आओ तो क्यू बाय क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू और क्यू कैंसिल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब वापस मेरे फंडे को याद करो तो कि कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बोलो ना कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है दिख रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है एरिया पे, किस पे डिपेंड कर रहा है सेपरेशन पे, जितना इसका सेपरेशन इस तरह से। तो तुमको एकदम क्लियर पता चल रहा है अब कि अगर हम कैपेसिटर की कहानी जब भी डिस्कस करेंगे तो ध्यान क्या रखना हमको कैपेसिटर के केस में ऑलवेज कि पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देना है और किसको बढ़ाना है चार्ज के स्टोरेज को। अगर चार्ज का स्टोरेज बढ़ेगा तभी उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जब कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसमें चार्ज स्टोर होगा और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होने का मतलब उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मेरी लॉजिक समझो कि एनर्जी स्टोर करके करोगे क्या। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, मैंने स्टोर कर लिया मेरे को इतना मिल गया। ठीक है, अब तुमको सारी कहानी इसकी पता है कि क्या क्या हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने का मीनिंग क्या है। ठीक है, कि जैसे मैं मेरी बात समझो कि ये सबसे अच्छा होता है कि जल्दी से जितना जल्दी एनर्जी स्टोर होता है ना उतना ही जल्दी वर्क भी करता है ये। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इन्वर्टर, इन्वर्टर इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है, इन्वर्टर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैपेसिटर। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो कि जब करेंट की सप्लाई हो रही है तो तुम इन्वर्टर को चार्ज करने पर लगे हुए। ठीक है, अब वो इन्वर्टर क्या हो रहा है अपने साइज सेफ एंड साइज के हिसाब से चार्ज स्टोर कर रहा है। अब तुम इतनी बातें समझ चुके हो कि कैसे स्टोर हो रहा है उसमें। ठीक है, तुम एक चीज देखना इन्वर्टर में, वो कुछ हुकर होते हैं ऊपर लगे हुए हुक टाइप के, वो हमेशा देखोगे इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक प्लेट दूसरा प्लेट तीसरा चौथा पांचवा छठा इनके बीच स्टोरेज होना शुरू होता है, तो तुम देखना उसमें। तो वो जब इन्वर्टर की तुम बात करोगे तो इन्वर्टर को अपन क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं मतलब सप्लाई कर रहे हैं ना चार्ज। जब सप्लाई करना चार्ज किया तो एक प्लेट सप्लाई हो रहा है तो दूसरा प्लेट क्या हो रहा है इंड्यूस हो रहा है, अब उसके रिस्पेक्ट में तीसरा प्लेट फिर इंड्यूस हो रहा है, चौथा इंड्यूस हो रहा है, पांचवा इंड्यूस हो रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये प्लस है तो इंड्यूस करके माइनस लाया तो इस तरफ प्लस आया तो इस तरफ क्या हो जाएगा वापस एक प्लेट लाओ फिर माइनस हो जाएगा। तो तुम नेट देखो ये क्या कर रहा था घटा रहा था, ये थोड़ा बढ़ाया फिर यहां पे ये घटाएगा ये थोड़ा बढ़ाएगा, तो दैट मीन्स पोटेंशियल क्या हो रहा है घट रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो देखो अगर मैं पैरेलल प्लेट की बात करूं बेटा तो पैरेलल प्लेट को तुम देखोगे ज्यादातर बुक में ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और हमारे ज्ञानी है एससी वर्मा वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उनका क्या कहना है कि कैपेसिटर है ना सेप एंड साइज नहीं बोलेगा ना, तुम जब नहीं बोलेगा तो ऐसे बना। ठीक है, और बाकी जो दिमाग लगाते हैं वैसे बताते कि नहीं भाई पैरेलल प्लेट वाला फंडा है। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखो अब यहां पे लॉजिक क्या है कि जब हम यहां से चार्ज सप्लाई करना शुरू किए तो इसके पास क्या डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास क्या डेवलप हो गया निगेटिव चार्ज। अब इसके पास जब तुम दूसरा प्लेट ला रहे हो ध्यान देना तो ये अब ये क्या डेवलप कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या डेवलप कर रहा है निगेटिव चार्ज। तो देखो अगर तुम इस पे देखोगे तो मान ले यहां पे कुछ पोटेंशियल है तो ये क्या करेगा ये निगेटिव पोटेंशियल लाएगा, और यहां का जो पॉजिटिव यहां पे जो पॉजिटिव है ये यहां पे क्या करेगा ऐसे छोड़ दे तो इसको देख यहां पे ये क्या होगा फिर ये पॉजिटिव लाएगा बट इससे कम लाएगा फिर ये लाएगा फिर ये लाएगा, तो ऐसा कहानी होगा। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है घट रहा है ना, पोटेंशियल जितना एक प्लेट को चाहिए था अब ये ज्यादातर प्लेट जोड़ते जाओगे जोड़ते चले जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होने लगेगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा तो ऑब्वियसली अब उसके पास क्या है कि उसके पास चार्ज ज्यादा रखने की कैपेसिटी बन गई, वो चार्ज ज्यादा से ज्यादा रखेगा सप्लाई ऑफ द चार्ज बढ़ता चला जाएगा। आ रही है वही चीज तुम इन्वर्टर के केस में देखो, इन्वर्टर में क्या होता है कि इन्वर्टर में जब हम चार्ज सप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो क्या कर रहा है चार्ज को स्टोर कर रहा है स्टोर कर रहा है स्टोर कर रहा है स्टोर कर रहा है, एक टाइम ग्रीन रेड से ग्रीन हो जाता है
मतलब अब स्टोर होना बंद हो चुका है। अब वो जो तुम्हारा चार्ज सप्लाई तुमने बंद नहीं किया, तो वो चार्ज कहां जा रहा है? एयर के मॉलिक्यूल के साथ आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब वहां के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसके कारण क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा बचा हुआ पार्ट है ना एनर्जी का, जो तुम जो कंडक्टर में नहीं आ रहा है फिर भी तुम स्टोर किए जा रहे हो, तो वो जो हीट हो रहा है ना वो हीट एनर्जी में डेवलप हो रहा है, क्योंकि बॉडी छूके देखना इन्वर्टर की वो गर्म हो जाती है। और तुम याद रखो कि 50% ऑफ द एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होकर लॉस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहानी मैं तुमको डिक्लेयर करके आगे बताऊंगा कि एनर्जी के केस में क्या होता है, बट तुम अब यहां पे ये समझ चुके हो कि जब हम कोई भी इन्वर्टर चार्ज करते हैं तो इन्वर्टर चार्ज करने का मतलब क्या बोलते हैं कि हम चार्ज एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। और तो कब तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं या चार्ज कब तक रख सकते हैं? चार्ज तब तक रख सकते हैं जब तक उसकी पोटेंशियल ब्रेकडाउन की स्थिति ना हो जाए एयर की। तो एयर की ब्रेकडाउन की स्थिति होने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप करते हैं, 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप कर दी है, मतलब वो एयर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होने की स्थिति में है और वो क्या कर रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ आयोनाइज्ड होना शुरू हो रहा है। जब वो आयोनाइज्ड हो रहा है तो वहां पर एक एनर्जी डेवलप हो रही है, जिस एनर्जी को अपन हीट एनर्जी कहते हैं, और वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, इन्वर्टर के बॉडी को हीट कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण इतनी एनर्जी हीट एनर्जी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस हीट एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी आ रही है बस में, वो एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर क्या है, तो वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर है स्टोरेज ऑफ द चार्ज, कि कितना ज्यादा तुम चार्ज स्टोर कर रहे हो। तो अब वहां पे देखो इन्वर्टर चार्ज हो रहा था, तुमने कर दिया, अब वो जो चार्ज हुआ जैसे ही पावर कट हुई, अब वो इन्वर्टर सडन क्या करता है, चार्ज सप्लाई करना शुरू करता है। मतलब अभी तक वो इन्वर्टर था और जब वो चार्ज सप्लाई करने लगता है पावर कट होने के बाद, तुम्हारे फैन टीवी सब चलने लगता है, उसका मतलब अब वो डिस्चार्ज होने के कंडीशन में आ गया। जब वो डिस्चार्ज होने के कंडीशन में आ चुका है, मतलब वो क्विक फॉर्म होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि एनर्जी जो स्टोर करते हैं हम कैपेसिटर में, वो जितनी जल्दी स्टोर करते हो उतनी जल्दी वो क्या करता है, वर्किंग भी बहुत फास्ट करता है, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, और व्हाट इज और कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं हम, जिससे हम क्या करते हैं चार्ज को स्टोर करते हैं। तो आज मैंने तुमको दो इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, एक बताया तुमको स्फेरिकल और एक बताया मैं तुमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तुमको समझ में आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि कैसे कैसे स्टोर करते हैं, पहला एक का है, दूसरा लाओगे पोटेंशियल कम करोगे, उसको अर्थ करोगे और पोटेंशियल कम करोगे। मतलब लॉजिकली अब दो टर्म्स हमारे पास क्लियर है कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, 4πε0R, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, εo A/D, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, εo A/D। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होगा, q/V, ठीक है। जहां पे कैपेसिटर का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, फराडे F, मगर बेसिकली यूज क्या करते हैं कैपेसिटर के यूनिट में हम लोग, माइक्रो फराड, जिसको क्या लिखते हैं 10⁻⁶ फराड, या फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, पिक्रो फराड, ठीक है ना, फराडे, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, पिक्रो फराड, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 10⁻½, ठीक है। तो ये सारी कहानी आज हम लोगों ने डिस्कस की है और इतनी सारी चीजें आपको समझाई है। अब देखो ये एक्चुअल जिस दिन ये तुमको लेक्चर्स तुम सुनोगे ना 2 जून को, वो मेरा उस दिन मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। तो उसी दिन मैं इससे रिलेटेड एक DPP भी आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देन ध्यान रखोगे इसको, अगर आप जिसको इसमें कोई भी डाउट है कि सर कैसे कुछ हो रहा है या समथिंग कुछ भी, तो देन आप क्या करो, उस डाउट्स को व्हाट्सअप करो, मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत एसेंशियल है ये कि देखो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में तुमको कूलम्स पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, पोटेंशियल पढ़ाया, डाइपोल पढ़ाया, मतलब जो भी टर्म्स हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं, मैं सोचता हूँ